हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस और ओवरीज के बारे में तो सब इंडोक्राइन ग्लैंड्स आल्सो हैव नॉन इंडोक्राइन फंक्शंस तो कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नॉन इंडोक्राइन फंक्शंस भी होते हैं और वो नॉन इंडोक्राइन फंक्शन क्या क्या हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल ओवरीज एंड टस्टीज़ प्रोड्यूस हारमोन्स बट दे ऑल्सो हैव नॉन इंडोक्राइन फंक्शंस टू प्रोड्यूस एग्स एंड स्पम्स रिस्पेक्टिवली तो देखो ये हारमोन से क्रिएट करना तो इनका काम है बट ये इनका ये ये जो नॉन इंडोक्राइन फंक्शन किसकी बात कर रहे हैं कि जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं फीमेल और स्पम प्रोड्यूस करते हैं मेल्स तो ये भी एक नॉन इंडोक्राइन फंक्शन होता है तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है तो द ओवरी इन फीमेल प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स हारमोन और एस्ट्रोजन जो ओवरी होता है फीमेल में वो क्या प्रोड्यूस करता है फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं और टेस्टिस जो होता है मेल में वो प्रोड्यूस करता है मेल सेक्स हार्मोन जिसको टेस्टोस्टोरन कहते हैं और ये हार्मोन क्या करते हैं सेक्शुअल करेक्ट्रिस्टिक्स को कंट्रोल करता है ये हार्मोन सेक्शुअल करेक्ट्रिस्टिक्स को कंट्रोल करता है ठीक है तो आई होप आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस और ओवरीज के बारे में पूरी मतलब जानकारी क्लियर हुई होगी तो अगली हम देते हैं थायरॉयड ग्लैंड के बारे में थायरॉयड ग्लैंड क्या होता है थायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे लोकेट होता है फ्रंट पार्ट ऑफ योर नेक जो आगे वाला पार्ट है नेक का उसमें ये वाला ग्लैंड होता है थायरॉयड ग्लैंड ठीक है तो ये मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है थायरोयड ग्लैंड थायरोड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन तो ये थायरोयड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है थायरोक्सिन करता है ठीक है जैसे फीमेल सेक्स हार्मोन जो भी ओवरी सेक्रेट करता है फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं थाइरॉयड ग्लैंड के हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको थायरोक्सिन करता है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा ठीक है वेन देयर इज़ अ लैक ऑफ थायरॉक्सिन जब थायरॉक्सिन कम होता है कमी होती है थायरॉक्सिन की थायरॉयड ग्लंस वेलप कॉजिज द डिजीज़ कॉल क्विटर तो ठीक है जो आयोडीन की डेफिशेंसी से होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जब थायरोक्सिन की कमी होती है तो जो हमारा थायरॉयड होता है वो स्वेलअप होता है तो मोटा सा हमारे नेक में आ जाता है ठीक है जिससे जिस, जिस डिज़ीज़ को ग्वाइटर बोलते हैं जो कि आयरन की कमी की वजह से होता है तो आई होप आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ग्लैंड समझ आ गए होंगे अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं टिल देन बाय एंड टेक केयर बाय